हेलो दोस्तों, क्रिकेट ओनली एडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आईपीएल का मौजूदा सीजन दिल्ली कैपिटल्स के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर के लिए शानदार रहा है। पिछले कुछ सालों से वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा, लेकिन इस साल मेगा ऑक्शन के दौरान दिल्ली कैपिटल्स ने इस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया। हालांकि इससे पहले साल 2009 में भी वार्नर इस टीम की ही हिस्सा रह चुके हैं। उस समय दिल्ली के कप्तान वीरेंद्र सहवाग हुआ करते थे और उन्होंने 13 साल बाद इस खिलाड़ी को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बोला, मैं कुछ खिलाड़ियों पर अपनी भरोसा निकाली थी और डेविड वार्नर उनमें से एक थे, क्योंकि जब उन्होंने नई नई टीम ज्वाइन की थी तब वो प्रैक्टिस में हिस्सा लेने और खेलने से ज्यादा पार्टी किया करते थे। पहले साल में उन्होंने कुछ खिलाड़ियों से झगड़ा भी किया था, तो हमने उन्हें आखिरी दो मैचों से पहले वापस भगा दिया था। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए टीम से बाहर करते हो। वो नया खिलाड़ी था तो उसे ये दिखाना जरूरी था कि तुम ही टीम के लिए जरूरी नहीं हो, बाकी भी है और भी खिलाड़ी है जो तुम्हारी जगह खेल सकते हैं और टीम को जीत दिला सकते हैं। हमने उसको टीम से बाहर रखा और मैच भी जीते। बता दे कि इस साल वार्नर ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है और वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में चौथे स्थान पर बने हुए हैं। इस साल उन्होंने खेले गए 8 मुकाबले में लगभग 60 की जबरदस्त बल्लेबाजी औसत से 356 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक भी निकले हैं। फॉर मोर क्रिकेट अपडेट्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट एंड शेयर। थैंक यू।